हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग क्लैरिटी देने वाला हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि वेदर यू नो समथिंग कॉन्शियसली और यू नो समथिंग सबकॉन्शियसली। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी बात को सिर्फ आप कॉन्शियसली जानते हैं या उस बात को आप सबकॉन्शियसली भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दुनिया में लोग कॉन्शियसली बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो कॉन्शियसली लोगों को सब कुछ पता है। यानी कि अगर आप हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको एक अनहेल्दी पर्सन भी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताएगा। एक ऐसा इंसान जिसका रिलेशनशिप खराब है वो भी रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बताएगा। एक ऐसा पर्सन जो अनसक्सेसफुल है वो भी आपको सक्सेस के बारे में बहुत सारा ज्ञान देगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा। क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो वो कॉन्शियस लेवल पे जानते हैं, यानी कि कॉन्शियसली ये सब कुछ क्लियर है। सबकॉन्शियसली अगर आपको कोई चीज़ क्लियर है तो आपकी ज़िंदगी में उस तरह के एक्शंस होंगे, उस तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो आप अगर अपनी लाइफ में चेक करना चाहते हैं कि वेदर आपको कोई चीज़ कॉन्शियसली पता है या सबकॉन्शियसली पता है, तो आप अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करिए। अगर आपको हेल्थ के बारे में एक्चुअल अवेयरनेस है और आप हेल्दी सच में होना चाहते हैं तो आपके एक्शंस उस तरीके के होंगे, उस तरह की फूड हैबिट्स होंगी आपकी, उस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है तो आप रिलेशनशिप की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अप्लाई कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आपके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है तो आप अपने एक्शन प्लान्स एक्चुअली बिल्ड कर रहे होंगे, आप बना रहे होंगे एक्शन प्लान्स, आप उस पर एक्शन में इंगेज कर रहे होंगे अपने आप को, यानी कि लग रहे होंगे आप एक्शन में। अगर ये सब कुछ हो रहा है दैट मीन्स आपको सबकॉन्शियसली ये चीज़ें पता हैं। और अगर ये हो नहीं रहा तो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हैं और कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों के होने से चेंज नहीं आता। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि कॉन्शियस माइंड 10% वर्क करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है। इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मेरे फ्री कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए, राइट? उस फ्री कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, इंडिया से हज़ारों लोग उसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उसे ज्वाइन करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। वो टोटली फ्री है, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन करेगा, आपको माइंड के बारे में ऐसी क्लैरिटी देगा जो क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, इनफैक्ट पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी लोग जाके नहीं रिसीव कर पाते, वो आपको मिलेगी। और फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर पाएंगे, राइट? ये सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू करिए, इंजॉय करना शुरू करिए और इन वीडियोज़ को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। इफ़ यू केयर यू शुड शेयर, राइट? और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्न्ड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आप किस लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे, राइट? एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।